महाराष्ट्र में बारिश से बहुत बुरा हाल है। कई जगह बारिश के चलते जलभराव की स्थिति है और मुंबई में बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। स्कूल कॉलेज एहतियातन बंद कर दिए गए हैं और मुंबई के साथ साथ पुणे भी पानी में डूबा हुआ है। पुणे में हालात और खराब हैं। वहां की तस्वीरें आप देखेंगे तो दंग रह जाएंगे कि एक आधुनिक शहर का कितना बुरा हाल हो चुका है। तो महाराष्ट्र में बारिश से बहुत बुरा हाल और कई जगहों पर अभी भी तेज बारिश की चेतावनी जारी की गई है, रेड अलर्ट है। ऐसे में आने वाले कुछ घंटे और मुश्किलातों भरे हो सकते हैं। पूरे महाराष्ट्र की अगर मैं बात करूं तो बारिश ने यहां पर एक तरीके से कहर ही बरपा दिया। ये तस्वीरें देखिए, जो अलग अलग तस्वीर आपके सामने है। मायानगरी मुंबई हाल बेहाल, किस तरह से सपनों का शहर मानसून की बारिश में पानी के प्रहार को झेल रहा है, उसकी वानगी आपके सामने है। इन तस्वीरों में देखिए, मुंबई का शायद ही ऐसा कोई कोना हो जो बारिश से बेहाल न नजर आ रहा हो। अंधेरी सबवे पर पानी भर गया, लोगों की रफ्तार थम गई। वहीं बांद्रा में भी जलभराव के चलते लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा है। कुर्ला की स्थिति भी आपके सामने है, हालात बहुत खराब हैं। जलभराव के चलते जहां आम लोग परेशान हैं, वहीं स्कूल गए छात्र और उनके परिजन भी सैलाब से जूझते नजर आए। कुछ ऐसी ही तस्वीर सानपाड़ा अंडरपास पर भी दिखाई दी, यहां भी पानी भरने से लोग बहुत ज्यादा परेशान नजर आए। जबकि मझगांव में भी बारिश के चलते जलभराव ने लोगों को परेशान किया है। चेंबूर में तो बारिश के बाद सड़क पर ऐसा लगा कि मानो सैलाब हो, और इस तरह बारिश ने पूरी मुंबई को भी परेशान कर दिया है। सीधे मैं आपको लिए चलता हूं नम्रता दुबे के पास, मुंबई से मेरी सहयोगी मौजूद हैं। नम्रता, अभी मुंबई में क्या स्थिति है और मौसम विभाग की तरफ से भी कुछ जानकारी मिल रही हो तो बताएं। जी बिल्कुल अखिलेश, कल सुबह 8:30 बजे तक मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। कुछ देर पहले यहाँ से जो है हाई टाइड की स्थिति थी, तो लहरों की तस्वीर अगर आप देखकर समझें कि बरसात भी चल रही है मुंबई में, ऊंची ऊंची लहरें उठ रही, तो समुद्र किनारे खासतौर पर मुंबई पुलिस को डिप्लॉय किया गया है ताकि कोई भी किनारे पर यहाँ ना पहुंचे, क्योंकि लगातार जो अप्रिय घटनाएं हैं वो बरसात के दौरान सामने आती हैं। स्कूलों को छुट्टी दे दी गई है बीएमसी की तरफ से, और कल सुबह का जो स्कूल जाने का अलर्ट है वो सुबह बीएमसी की तरफ से दिया जाएगा। आज स्कूल कॉलेज को छुट्टी दे दी गई। रेड अलर्ट जो है वो सुबह 8:30 बजे तक का है। लोकल ट्रेन को लेकर खासा मुश्किलों का सामना मुंबईकरों को करना पड़ रहा है। 20 से 25 मिनट की देरी से लोकल ट्रेन चल रही है। कुर्ला से सायन के बीच में जो रेलवे ट्रैक है वहां कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पानी जो है वो भरा हुआ दिखाई दे रहा है। सायन, चेंबूर और कुर्ला के तमाम इलाके जो है वहां के निचले इलाकों में जल जमाव हो गया है, और मुंबई की जो मीठी नदी कही जाती है वहां उसका जल स्तर बढ़ गया है। उसके आसपास रहने वाले लोगों को जो है वहां से खाली करा दिया गया है, वहां से शिफ्ट कर दिया गया है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हो, उप मुख्यमंत्री अजित पवार हो, लगातार कंट्रोल रूम में मौजूद हैं और स्थिति का जायजा ले रहे हैं। बीएमसी की तरफ से जो बीएमसी के कर्मी है वो समुद्र किनारे डिप्लॉयड है, साथ ही कंट्रोल रूम से सीसीटीवी से नजर रखी जा रही है कि अगर कोई भी समुद्र किनारे जाता है या किसी तरह की कोई और घटना होती है तो उसको कंट्रोल किया जा सके। और लगातार 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही है। ठीक है नम्रता, खबर पर नजर बनाकर रखिए, मैं लौटूंगा आपके पास और ज्यादा अपडेट आगे भी हम आपसे लेंगे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए, और ये है इनकी बहु। पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP News, आपको रखे आगे।